HyperOS 2.0 अब यहां पर ऑफिशियल रिलीज कर दिया गया है और इसका जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट है। हालांकि इसकी जो टेस्टिंग है बीटा फॉर्म में ही चल रही है, अभी स्टेबल पब्लिक बिल्ड नहीं आया। और यहां पर कौन कौन से डिवाइसेस के लिए इसकी टेस्टिंग स्टार्ट है और जो अपडेट है वो कौन से डिवाइसेस में देखने को मिला है, और इंडिया और ग्लोबल में यहां पर कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिनको यहां पर HyperOS 2.0 देखने को मिलेगा, क्योंकि HyperOS 1.5 भी काफी जल्द आने वाला है, और लेकिन यहां पर 2.0 की जो टेस्टिंग है स्टार्ट कर दी है, और कौन से डिवाइसेज में ये अपडेट देखने को मिला हुआ है, और ये जो अपडेट है वो इंडिया में और ग्लोबल में कौन कौन से डिवाइसेज को ऑफिशियल देखने को मिलेगा। ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए, चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। HyperOS 2.0 टेस्ट वर्जन रिवील्ड बीइंग टेस्टेड ऑन Xiaomi 14 अल्ट्रा। तो यहां पर कुछ डिवाइसेज के अंदर इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है, कौन कौन से डिवाइस हैं और इंडिया और ग्लोबल में कौन कौन से डिवाइस में ये अपडेट मिलेगा उसकी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन Xiaomi की तरफ से यहां पर आ चुकी है। तो यहां पर आप देखोगे HyperOS 1.5 अकॉर्डिंग टू यूजर पॉपुलर टेक फॉर्म, और यहां पर जो कूल एपीके HyperOS 2.0 ऑलरेडी टेस्टेड। तो यहां पर आप देखोगे इसकी जो हिंट्स वगैरह है वो निकल कर आई है, और इसको जो है वो यहां पर टेस्ट किया जा रहा है, और यहां पर कौन कौन से डिवाइसेस के अंदर इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हुई है वो भी Xiaomi ने यहां पर कंफर्म किया हुआ है कि हम भाई इन डिवाइसेस के अंदर इनकी टेस्टिंग को कर रहे हैं और इनको काफी जल्द रिलीज करेंगे। और यहां पर एक नई लिस्ट भी रिलीज कर दी गई है जिसमें यहां पर अपडेटेड लिस्ट है, और उसमें कौन कौन से डिवाइसेस को और भी ऐड किया गया वो भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। इसमें आपके डिवाइस का भी नाम हो सकता है, आपके डिवाइस को भी HyperOS 2.0 देखने को मिल सकता है। तो यहां पर देखो भाई ये जो अपडेट्स हैं वो यहां पर काफी ज्यादा एफिशिएंट होने वाले हैं, जिसमें आपको एनहेंस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जिसमें यहां पर परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जाएगा। यहां पर इसका जो सपोर्ट है Xiaomi 14 जो अल्ट्रा है उसके अंदर यहां पर काफी ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव देखने को मिलेगा, और यहां पर न्यू लुक एंड जो फील है वो आपको देखने को मिलेगा। द सिग्निफिकेंट वर्जन मे इंक्लूड रिफ्रेशिंग यूजर इंटरफेस, पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली ये जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। उसके साथ ही इनहेंस बैटरी मैनेजमेंट, इसके अंदर आपको बैटरी का भी मैनेजमेंट काफी जबरदस्त देखने को मिलने वाला है, जो कि भाई काफी सही चीज है, क्योंकि बैटरी बैकअप तो बेस्ट होना चाहिए तभी डिवाइस सही से परफॉर्म कर पाता है। और उसके साथ ही आप यहां से देखोगे इम्प्रूव कैमरा परफॉर्मेंस, क्यों भाई कैमरा के अंदर भी काफी ज्यादा लैग्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं आजकल के अपडेट्स में, तो यहां पर कैमरा के अंदर भी काफी ज्यादा एनहांसमेंट वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। बेटर लो लाइट जिसकी परफॉर्मेंस है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ ही यहां पर सिक्योरिटी एनहांसमेंट में भी आपको काफी ज्यादा सिक्योरिटी के फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, और इसको जो प्रोटोकॉल्स वगैरह है उनको भी काफी ज्यादा यहां पर टाइमली जो है मतलब प्रोडक्ट जो डाटा वगैरह है आपका किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको AI एंड मशीन इंटीग्रेशन के भी फीचर्स मिलेंगे, जिसमें आपको मोर AI फंक्शनैलिटी की जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे। इसमें आपको काफी ज्यादा एडिटिंग के फीचर मिलेंगे, जिसमें मोर इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह जो है HyperOS 2.0 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि भाई काफी सही चीज है, इसको काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज यहां पर किया गया है। और उसके साथ ही यहाँ पर और भी काफी सारे फीचर्स वगैरह मिलेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ये कौन कौन से डिवाइसेस के लिए ऑफिशियल रिलीज किया जाने वाला है, तो यहाँ पर Xiaomi की एक ऑफिशियल कम्युनिटी है, वहां पर ये थ्रेड जो है रिलीज किया गया था, जिसमें आप यहाँ से देखोगे 28 का ये जो थ्रेड है वो यानी कि 2-4 दिन पहले का ही थ्रेड है, इसको यहाँ पर नई लिस्ट को अपडेट कर दिया गया है। इसमें काफी सारे फीचर्स और काफी सारे डिवाइसेस को भी ऐड किया गया, जिसमें Xiaomi की अगर मैं बात करूँ तो Xiaomi सीरीज के काफी सारे मॉडल्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। Redmi सीरीज में भी काफी सारे मॉडल आ चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो Xiaomi 13 सीरीज के सारे हैं, Xiaomi 12 सीरीज, Xiaomi 14 सीरीज, CV सीरीज, देन यहाँ पर पैड सीरीज है, Xiaomi 11T सीरीज है, तो ये सारे मॉडल्स यहाँ पर आ चुके हैं। उसके साथ ही आप यहाँ से देखोगे Redmi सीरीज में, जो कि ऑब्वियसली ज्यादा मॉडल इंडिया में चलते हैं, जिसमें Redmi K50 गेमिंग है, Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Ultra, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus, Dimensity मॉडल भी आपको मिल जाता है, Redmi Note 12R यानी कि Redmi Note 12, और Redmi 11 Prime मिल जाता है, Redmi K50i, K50i Pro, Redmi 11T, 11T Pro Plus जो मॉडल्स हैं इनको भी यहां पर सेलेक्ट ऑफिशियल कर लिया है। और उसके साथ ही आप देखोगे Redmi Note 12 Pro स्पीड एडिशन है, Redmi 12C है, Redmi K60e है, K60 Pro है, K60 है, और यहां पर Redmi Note 12 जो 4G NFC मॉडल है आपको मिल जाता है, Redmi 11 Prime 5G मॉडल, Redmi 10 5G, Redmi 10 Prime Plus जो 5G मॉडल है वो भी यहां पर सिलेक्टेड है, Redmi Note 11e मॉडल आपको मिल जाता है, और उसके साथ ही यहां पर Redmi Note 11R है, Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12S, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro Plus, और उसके साथ ही आपको Redmi Note 13 भी इस लिस्ट में जो 5G मॉडल है देखने को मिल रहा है, Redmi K70 Pro है, Redmi K70e है, K70 है, Redmi 13R यानी कि जो Redmi 13C 5G मॉडल है वो भी इस लिस्ट में यहां पर सिलेक्टेड है। और उसके साथ ही
K60 अल्ट्रा है, रेडमी नोट 13 4G मॉडल, 4G NFC मॉडल, रेडमी 12 5G, रेडमी 12 4G, ये सारे मॉडल्स यहाँ पर सिलेक्टेड है। रेडमी टर्बो 3 है, रेडमी 13 5G और यहाँ पर रेडमी नोट 13R जो मॉडल है वो आपको मिल रहा है। रेडमी 13 भी इस लिस्ट में मिल जाता है, जो कि न्यूली लॉन्चेस डिवाइस है। कुछ डिवाइस अभी लॉन्च हुए भी नहीं, लेकिन उनका नाम यहाँ पर आ चुका है। और पोको लिस्ट में आप देखोगे काफी सारे और भी नए मॉडल्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। इस लिस्ट में आपका भी डिवाइस हो सकता है, जिसमें आप देखोगे पोको F4 GT है, F4 Pro है, M5 है और यहाँ पर X4 GT Pro है, X4 GT है और यहाँ पर X5 Pro है, C55 है और यहाँ पर पोको F5 जो प्रो मॉडल है और उसके साथ ही X5 5G M4 और यहाँ पर जो 5G मॉडल है और उसके साथ ही आप देखोगे यहाँ से F5 5G है, X6 5G है, X6 न्यू है जो कि Redmi Note 13 5G का रीनेम वर्जन है और यहाँ पर पोको जो X6 प्रो है, F6 जो प्रो है वो भी मिल जाता है, M6 प्रो मिल जाता है, M6 प्रो 4G मॉडल और यहाँ पर F6 और M6 जो प्लस 5G है जो आने वाला है वो भी आपको मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे पोको M6 भी इस लिस्ट में मिल जाता है। तो ये नई लिस्ट है, अगर इस लिस्ट में आपका डिवाइस आ रहा है तो आप 100% HyperOS के लिए सिलेक्टेड हो। और इसका जो HyperOS 2.0 अपडेट्स है इनको भी काफी जल्द Xiaomi रिलीज करने वाला है और इसकी जो ऑफिशियल रिलीज डेट है उसका भी अनाउंसमेंट यहाँ पर हो चुका है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसको इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया जाना है और टुगेदर विद द Xiaomi 15 सीरीज के डिवाइस आएंगे, उसके साथ ही इसको जो है वो यहाँ पर कंफर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट कर दी गई है और आपको बहुत जल्दी अपडेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इसका जो ऑफिशियल है वो थ्रेड भी देखने को मिला, जिसमें आप Xiaomi 14 को देखोगे, Xiaomi 14 में HyperOS 2 देखने को मिल रहा है, इसका जो टेस्टिंग स्टार्ट है। और Xiaomi 14 जो प्रो मॉडल है इसमें भी HyperOS 2.0 मिल रहा है और उसके बाद Redmi K60 जो अल्ट्रा है इसमें भी HyperOS 2 जो है वो देखने को यहाँ पर मिला है। तो इन डिवाइसेस की ऑफिशियल जो लिस्ट है वो आ चुकी है और कौन कौन से डिवाइसेस में मिलेगा वो भी कंफर्म यहाँ पर 100% हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।